डॉक्टर पवन जी, गुरदयाल राठौर जी, रणजीत सिंह जी, राजू जी, रमेश सैनी जी, श्री जयचंद जी, वाल्मीकि विशेषित मल्होत्रा जी, माया देवी जी, अमरजीत जी सैनी, रघुवंश मल्होत्रा जी, सोनू वर्मा जी, सुनील सोनकर जी, यहाँ उपस्थित मेरी बहुत ही प्यारी बहनों, मेरे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मीडिया के हमारे साथीगण, साथियों, आज आपका यहाँ पर जोश देखकर मुझे पूरा विश्वास हो रहा है कि हमारा कांग्रेस पार्टी का जो चयन था उम्मीदवार का, वो बिल्कुल ठीक रहा। वैसे ऐसा नहीं है कि यहाँ पर और हमारे कैंडिडेट नहीं थे, कई कैंडिडेट थे और सब काबिल थे, लेकिन पार्टी को जब चयन करना होता है तो बहुत सी बातें देखकर, लोगों से फीडबैक लेकर, क्षेत्र से हम रिपोर्ट लेती है पार्टी और उसके बाद ये फैसला लिया जाता है। प्रदीप चौधरी बेशक पहले दूसरी पार्टी में थे, लेकिन इनकी लोकप्रियता यहां पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा थी और यही बात सोचकर कांग्रेस पार्टी ने भी सोचा कि हमें एक मजबूत साथी मिले और इन्होंने भी फैसला लिया कि अब जबकि एक लड़ाई विचारधारा की है, इलाके के लिए काम करना है, तो इनमें फैसला लेना होगा। इन बातों को ध्यान में रखते हुए अब इन्होंने फैसला लिया कि भारतीय जनता पार्टी की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ लड़ाई लड़ती है तो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस की विचारधारा में, सोनिया जी में विश्वास व्यक्त करना है और कांग्रेस पार्टी में आना है। आपका बहुत बहुत स्वागत हमने किया और उसके बाद ये फैसला लिया गया कि इन्हें यहां से कांग्रेस का प्रत्याशी बनाया गया और मुझे खुशी है आज मैं यहां देख रही हूं कि सबने हमारे इस फैसले का स्वागत किया। तो हमारे लिए तो कांग्रेस पार्टी में एक मजबूत स्तंभ भी आ गया और यहां से हमारा एक जीतने वाला उम्मीदवार भी आ गया। तो साथियों, आज के दिन हमारी लड़ाई क्या है, हमारा संघर्ष क्या है? हमारा संघर्ष है विचारधाराओं का। एक भारतीय जनता पार्टी की नकारात्मक विचारधारा है और एक और कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है जो छत्तीस बिरादरी को साथ लेकर चलती है। ये लोग तो केवल भाई को भाई से अलग करने की बात करते हैं, इनका हमारा मेल कभी हो नहीं सकता क्योंकि इन्होंने हमेशा झूठ की राजनीति की। 5 साल पहले आपने देखा वैसे झूठ की घड़ी लगाई गई कि लोग बह गए उसमें, सोचा कि 5 साल में पता नहीं क्या मिल जाएगा और कई बातें भी ऐसी की थी। हमारी सरकार 10 साल रही, लोगों को लगा इस बार इनको आजमा लेगी, बहुत सी बातें कही हैं सभी के लिए, चाहे किसान के स्वामीनाथन कमेटी की बात हो, चाहे आम नागरिक की, सबको ऐसे सपने दिखाए और कहा 15 लाख आपकी जेब में डाल देंगे। तो साथियों, अब 5 साल हो गए, समय आ गया है जब इनसे आपने कुछ सवाल पूछने पड़ेंगे।
कहा गया है कि बाप ने इनसे इनका रिपोर्ट कार्ड मांगना होगा। और जब कोई भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता कोई भी लोग आपके बीच में आए तो आप उनसे पूछिए कि पहले 5 साल का लेखा जोखा दो, 5 साल की रिपोर्ट दो और फिर हमसे वोट मांगो, पहले रिपोर्ट फिर वोट, पूछ लीजिएगा उनसे। अभी रामकुमार जी के नामे जो यहाँ पर जो हाल हुआ है, यहाँ पर ट्रैफिक का पहले भी जो होता था, तो एक तो हमने अपने समय में हाईवे निकाल दिया, लेकिन जब ये दूसरे की बात आई तो ये सरकार जो वैसे इससे आप ये पूछ लीजिए कि अपने 5 साल में आपने जो नारा दिया था सबका साथ सबका विकास, ना तो सबका साथ लिया और विकास के नाम पर बता दीजिए कि आपने क्या करके दिखाया है। कोई तो एक तो प्रोजेक्ट लेकर आए हो, कोई प्रोजेक्ट इन्होंने लगाया हो यहाँ पर भिजवा दो, बल्कि जो हमारे टाइम के थे उनका भी ये तो खुद क्रेडिट लेना चाहते हैं। रामकुमार जी अभी आप क्या बता रहे थे कि इन्होंने पॉलिटिक्स सारी चीजें अपने आप लेना चाहते हैं। साथ ही सबसे बड़ा मुद्दा इनसे पूछिए कि पहले ये बताओ कि पिंजौर का आपने क्या किया, सब कुछ बंद कर दिया, एजेंसी जिस पर पूरे देश को नाच था सारा खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, उसको खत्म कर दिया, सीवरेज का बुरा हाल है, कुछ काम किया नहीं है तो वोट किस बात का। तो ये रिपोर्ट कार्ड के साथियों आपको मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। और एक बात और है इनकी, झूठ बोलने में इनको कोई शर्म नहीं है, कुछ भी बोल देते हैं, जुमलेबाज पार्टी है। 5 साल पहले इन्होंने घोषणा पत्र आपको दिया, दर्शन का टोला थे फरसा कोई, अब आज के बाद जल्दी से कोई इनको फरसा या सलवार मत दे दियो, आपको पता है गर्दन किसकी कटेगी, वैसे तो गर्दन काट चुके हैं ये सब, हर वर्ग से हमारा मजदूर हमारा कर्मचारी हमारा दुकानदार छोटा व्यापारी किसी को नहीं बचता इन्होंने। पहले नोटबंदी की फिर जीएसटी की, अब इतनी आर्थिक मंदी हो गई है कि दुकानदार बेचारे सारा सारा दिन हाथ में हाथ धरे बैठे रहते हैं, कोई ग्राहक नहीं नजर आता है। और हमारा जो यहाँ पर युवा है, युवाओं से मैं पूछना चाहूंगी दो तीन बात, आप मुझे बताइए, पहले तो ये जो मोटर व्हीकल चलान वाली बात बताओ, अच्छा ये मत सोचना कि बंद हो गए, सिर्फ इलेक्शन करके 30 तारीख तक बंद है, अगर ये जाते तो कानून बदल सकते थे जैसे और स्टेटों ने किया, लेकिन इन्होंने नहीं बदला। अब आगे देख लेना, ना तो आपका मोटरसाइकिल, ना कोई स्कूटी, ना कोई अपने किसान का ट्रैक्टर, कुछ भी इन्होंने सड़क में छोड़ना नहीं, आप देख लेना इंतजार में है। और सबसे ज्यादा वोट युवाओं ने दिया था, पूछूंगी मैं आपसे, अब देखना क्या हाल करेंगे। रोजगार बिल्कुल सारी फैक्ट्रियां बंद हो रही, नया रोजगार मिल नहीं रहा, पुराने जो कर्मचारी हैं उनकी छुट्टी की जा रही है, तो हमारे बच्चों का क्या होगा, जो पढ़े लिखे हमारे बच्चे घूमते हैं, माँ बाप अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर अच्छे स्कूल कॉलेज में भेजते हैं, सबसे ज्यादा कमाई माँ बाप की अपने बच्चों की पढ़ाई पर जाती है। और माँ बाप इसलिए करते हैं कि ताकि उनका बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, माँ बाप इसलिए करते हैं
ताकि उनका अपना बुढ़ापा अपने बच्चों के सहारे अच्छा आरामदायक हो। लेकिन बच्चों को रोजगार देना तो दूर की बात है। आज एक सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो है नशे का, चिट्टे का। पंजाब में शक्ति बढ़ती गई है जब से हमारी सरकार आई, और वो सारा माफिया हरियाणा की ओर आ गया। घर घर में नशा, बच्चों का भविष्य खत्म। जब बच्चे ही नहीं रहेंगे तो माँ बाप का क्या होगा। आज हमारी पीढ़ी को ये नष्ट कर रहे हैं, जिनकी जवानी चली जा रही है।